हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई विश कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी मज़े सुकून खैरियत से गुजर रही होगी। आज की ये वीडियो एक प्रोडक्ट का हॉनेस्ट रिव्यू है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हर किस्म की जो वीडियोस हैं वो अपलोड की जाती हैं, चाहे वो डेली व्लॉग्स हों, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हों, बेबीज़ प्रोडक्ट्स हों, बेबीज़ की जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनकी होम रेमेडीज़ हों, ब्यूटी टिप्स हों, ब्यूटी होम रेमेडीज़ हों, फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ हों, फैशन आइडियाज़ हों, ड्रेसिस आइडियाज़ हों, हर किस्म की वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं। और आपको बैठे बैठाए एक ही चैनल पर हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इधर उधर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसलिए तो कहते हैं जल्दी से हिस्सा बन जाए हमारी YouTube की फैमिली का। जैसा कि बहुत सारे लोग हमारी YouTube फैमिली में शामिल हैं, तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और आप क्यों इधर उधर हवारी कर रहे हैं? जल्दी से आ जाएं और बैठे बैठाए एक ही चैनल पर सारा कुछ हासिल करें। और उम्मीद करती हूँ जी अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो भाई अब और कौन सी दलील दूँ। अगर और भी कोई सबूत चाहिए तो जल्दी से फ़ौरन से पहले चैनल पर विज़िट करें और देखें हमारी बहुत सारी वीडियोज़ को और इंजॉय करें हर तरह की वीडियो को। चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं करने चाह रही हूँ वो है डॉक्टर रॉशिल का वाइट स्किन सीरम, वाइटनिंग फेड स्पॉट सीरम, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है और हर लड़की इसको ट्राई कर रही है। ये मैं दिखाती हूँ, डॉक्टर रशील का वाइट स्किन वाइटनिंग फेड स्पॉट सीरम है ये, और इसके ऊपर लिखा हुआ है जो रिड्यूसेस पिगमेंटेशन है, फेड्स डार्क स्पॉट्स है, स्मूथर करती है स्किन को और वाइटर करता है स्किन को, स्मूथ कर देता है आपकी स्किन को और वाइट कर देता है। ये है जी डॉक्टर रशील का वाइट स्किन फेड स्पॉट्स सीरम। ये मैंने भी यूज़ किया है और इसी सिलसिले में आपको इसका रिव्यू दूंगी, इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे, डिटेलिंग बताएंगे और सारा कुछ। बहुत सी वीडियोस में देखा गया कि डॉक्टर राशिल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छा नहीं कंसीडर किया गया। बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कहा कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर आप इन डॉक्टर साहिब की प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। अब ये बात कहाँ किस हद तक सच है भी कि नहीं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए साथ रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक लास्टमी वॉच कीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और मैन्युफैक्चरर, ये सारा कंपनी के डिटेल्स लिखी हुई हैं और ये इन्होंने उसकी बॉटल की दी है तस्वीर, ऊपर सारी बताया गया है कि ये सीरम किस चीज़ का है, बेनिफिट्स बताए हैं, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, डायरेक्शंस बताए हैं, वार्निंग्स बताई हैं। अब जी बेनिफिट्स में देखते हैं जी क्या क्या है। बेनिफिट्स में कंटेन्स आर्ब्यूटन एंड नियासिनामाइड इंग्रेडिएंट्स, दिस हाईली एफिकेशियस फेशियल सीरम ब्राइटन्स एंड क्लैरिफाइज स्किन फॉर इंक्रीज्ड रेडियंस ओवर टाइम, इट डिमिनिशेस द नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ इवन डीप सेट डार्क स्पॉट्स एंड स्किन डिसकलरेशंस, मिनिमाइजेज द अपेयरेंस ऑफ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डार्क स्पॉट्स, डेली कॉन्टिन्यूस यूज रिजल्ट्स इन विजिबली ब्राइटर मोर रेडियंट स्किन। इंग्रीडियंट्स में यानी कि इसमें बेनिफिट्स यही दिए हैं कि आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको ये कम करते हुए बिल्कुल ख़त्म कर देगा, विजिबल ब्राइटर करेगा स्किन को, आपकी स्किन ब्राइट लगेगी और मोर रेडियंट स्किन, चमक आएगी उसके अंदर, स्किन की डिसकलरेशंस को ख़त्म करेगा अगर आप इसको कंटिन्यूस रेगुलरली यूज़ करेंगे तो। ये डीप डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उनको भी उनकी इंटेंसिटी भी जो है वो भी कम करेगा। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं, वाटर है, ग्लिसरीन है और ये सारा कुछ अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको करीब से दिखा दिया है। अगर कुछ गर्ल्स जो होती हैं, मैं इतना ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो डीपली नहीं सर्च करती, कुछ गर्ल्स होती हैं उनको पता होता है कि उनको किस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है और किस प्रोडक्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट हो तो वो प्रोडक्ट उनको सूट नहीं करती, और किस प्रोडक्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट जो होता है वो उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है, किस इंग्रेडिएंट से उनको फ़ायदा हो।
बॉटल की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक शाइनी सी आपको बॉटल मिलेगी एक पंप के साथ, और जिसको इजीली आप सीरम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त थी। और इसमें इतनी आपको वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आएगी, लेकिन बहुत ग्लिटरी सी ये बॉटल है एक वाइट कलर की, और इससे साफ जाहिर होता है कि इससे आपकी जो स्किन है वो उसमें एक ग्लो आ जाएगा, एक चमक आ जाएगी, बॉटल से ही साफ पता चलेगा, एक शाइन सी है बॉटल में। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी शाइन नज़र आएगी, बहुत ज़बरदस्त बहुत ही प्यारी एक बॉटल है, पंप है उसके साथ, इसके साथ आप ईज़िली जो है वो सीरम अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। वाइटनिंग फेड स्पॉट्स सीरम है। अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो आपको ये इजीली मार्केट में 550 से लेकर 600 के दरमियान या 650 के दरमियान इजीली आपको अवेलेबल है। अच्छी मार्केट से लें, अच्छे मॉल से लें, तो आपको इसकी ओरिजिनल जो चीज़ है वो मिलेगी। लोकल मार्केट से ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे होता है कि बहुत जो चीज़ ज़्यादा मशहूर हो जाती है उसकी कॉपीज़ आ जाती हैं, तो वो महंगी भी प्रोडक्ट बेचते हैं और एक वो ओरिजिनल भी नहीं होती। आप अच्छे मॉल अच्छी मार्केट से लें तो आपको अच्छी और ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, और फ़ायदा भी आपको अच्छा होगा और 100% होगा। अब हम इसको खोलते हैं। इस तरह से वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा सीरम है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फेस के हिसाब से आप 3 to 4 ड्रॉप्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सीरम है वो आपके 3 to 4 ड्रॉप्स ही आपके पूरे फेस पे इजीली लग जाएगा। सुनने में ऐसा लगता है कि 3 to 4 ड्रॉप्स बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, आपकी पूरी स्किन पे लग जाए, फेस की स्किन पे लग जाएगा। उसके बाद आप हाथों पे, नेक पे भी अपना हाथ फेरें ताकि आपकी जो स्किन है वो एक जैसी लगे और पूरी स्किन आपकी शाइनी और चमक और ग्लो नज़र आए और एक जैसी लगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम है, ट्रांसपेरेंट सीरम है और पंप बॉटल है। इजीली इससे निकल आएगा, आपके हैंड्स गंदे नहीं होंगे। यूजली जो होता है वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें आपको फिंगर के ज़रिए क्रीम वगैरह निकालनी पड़ती है, तो आपको पता है हैंड पे हर टाइम जर्म्स लगे होते हैं। हम कोई ना कोई चीज़ को टच करते हैं तो वो जो जर्म्स होते हैं वो क्रीम के साथ शामिल हो जाते हैं, तो वो पूरी क्रीम को, पूरे लोशन को ख़राब कर देते हैं। तो ये जो सीरम की बॉटल है ये इस लिहाज से मुझे बहुत बेस्ट लगती है कि आपको इसको हाथ से टच नहीं करना पड़ता। आप इसको इसी को फेस के ऊपर अप्लाई करें, फेस के ऊपर रखकर आप इसी को इस तरह से पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर आप फोरहेड पे इसको अप्लाई करें और हाथों के साथ मसाज कर लें और इसको बॉटल को बंद कर दें। इससे आपकी जो बॉटल है वो एक जरासीम से पाक रहेगी, आपका जो सीरम है वो जरासीम से पाक रहेगा और इजीली आप उसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बॉटल पर हम देखें तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके बाद डायरेक्शंस मिलेंगी कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है और कितने टाइम आपने इसको अप्लाई करना है, वार्निंग मिलेगी। बेनिफिट्स में लिखा हुआ है जी आप इसको अगर डेली यूज़ करेंगे तो आपके डेली जो डार्क स्पॉट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा आपको विजिबली ब्राइटर स्किन मिलेगी, मोर रेडियंट स्किन मिलेगी। डायरेक्शंस कैसे यूज़ करना है, ट्रीट स्किन मॉर्निंग एंड नाइट बाय डिस्पेंसिंग 2 to 4 पर्ल sized drops of product into the palm of your hand and applying evenly on areas of discoloration such as sunspots and dark patches. आपने 2 to 4 जो एक मोती के बराबर ड्रॉप्स लेने हैं, ज़्यादा बड़े ड्रॉप्स नहीं लेने, एक मोती के जितने ड्रॉप्स लेने हैं 2 से 4, और उसको अपने पाम पे हथेली पर डालें और उसको अपने अप्लाई कर लें, इवनली अप्लाई कर लें पूरे फेस पे या उन एरियाज पे जिसको आपको डिसकलरेशन लगती है, और सच एज जैसे कि सन स्पॉट्स हुए हैं आपको या आपको डार्क पैचेस पड़े हुए हैं उन एरिया पर आप इवनली इसको अप्लाई कर लें, या अपने पूरे फेस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है आप अपने पाम के ऊपर यानी कि हथेली के ऊपर ड्रॉप्स डालें और फिर अपने फेस पर अप्लाई करें, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप डायरेक्ट इसको अपने फेस पर अप्लाई करें, तो इससे आपकी जो जो है आपका सीरम वो बगैर जर्म्स के आपके फेस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने हथेली पर डाल के उसको अप्लाई करना है तो आप पहले अच्छे साबुन से अपने हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लें। वार्निंग क्या है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए आप रखें। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, आप इसको ठंडी और खुश जगह पर रखें। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइज, अपनी आंखों पर डायरेक्ट यूज़ करने से परहेज़ करें। इट इफ़ कॉन्टैक्ट
अकर्स अगर आपकी ये आँखों में चला जाता है, रिंस वेल विद वाटर, अच्छे तरह पानी से इसको साफ़ कर लें। वार्निंग इसकी वही सारी मेडिसिन की तरह ही लिखी हुई है, जैसे आपको हर मेडिसिन पर देखने को मिलती है वार्निंग, ये तो वार्निंग डट गई हुई है हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी और मेडिसिन पर आपको यही वार्निंग देखने को मिलती है। तो ये अच्छी प्रोडक्ट होने की भी निशानी है कि आपको मेडिकली जो वार्निंग्स हैं वो इसके ऊपर भी मिल रही हैं और सेम एज इट इज़। डॉक्टर राशिल का वाइट स्किन सीरम, जितना मैं आपको इसका रिव्यू देख सकी मैंने आपको दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, नहीं आई तो भी कमेंट में बताएं क्या होना चाहिए था मज़ीद, और अच्छी लगी है तो भी कमेंट में बताएं अपनी मज़ीद राय का, लास्ट में इजहार कीजिएगा और चैनल की बाकी वीडियो को भी वीडियोज़ को लास्ट में विजिट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएंगी। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी वीडियोज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिस्सा बन जाए हमारी यूट्यूब फैमिली का। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखेगा, और ये सीरम मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, लास्ट में यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत 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 पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आएगा, अगर आपकी स्किन पर सूट नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा चांसेस है कि आपकी स्किन को सूट कर जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगली वीडियो का आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।